को फाइंड आउट करना, यानी यहाँ पे बताया हुआ है कि ये देखिएगा, व्हाट इज द रीजनेबल फाइनल एस्टिमेट ऑफ के एस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने क्या लिया हुआ है, एवरेज लिया हुआ है कि कैपएम के अंदर जो कैलकुलेशन एस्टिमेट्स आए, जो डीसीएफ यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर जो एस्टिमेट्स आए, और जो ओन बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम के अंदर जो एस्टिमेट आए, तो उसके आप अप्रोक्सीमेटली जो है वो रीजनेबल एस्टिमेट्स को एवरेज ले सकते हैं। अब थोड़ी सी डिस्कशन है आपकी रिटेन अर्निंग के हवाले से। व्हाई इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग चीपर देन द कॉस्ट ऑफ इशुइंग न्यू स्टॉक। यानी अगर हम देखें कि रिटेन अर्निंग की कॉस्ट चीपर क्यों होती है, कम क्यों पड़ती है कंपनी को कंपैरेटिवली टू द कॉस्ट ऑफ इशुइंग न्यू स्टॉक, या जिनको हम कहें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, इनिशियल जो आपके न्यू न्यू स्टॉक जिनको हम कहें। इसलिए क्योंकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इशुइंग न्यू स्टॉक है उसके अंदर जो चार्ज आपकी लगती है वो होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, वही जो मैंने आपको थोड़ा सा सुपरफिशियली बताया था प्रीवियसली कि फ्लोटेशन कॉस्ट जब आप मार्केट के अंदर कोई नई सिक्योरिटी फ्लोट करते हैं तो यू पे द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चार्जेस, यू पे टू द अंडर राइटर। अंडर राइटर आपका वो होता है जो आपको आपके जितने भी शेयर से वो परचेस करता है और सेल द सेम शेयर टू द जनरल पब्लिक विथ अ मार्जिनल हाई रेट, थोड़े से हाई रेट से, और वो हाई रेट उसका कंपनसेशन होता है। अंडर राइटर की आप फीस भी पे करते हैं, आप टाइमिंग्स को भी डिटरमिन करते हैं किस टाइम के अंदर शेयर्स को इशू किया जाए, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, ये सारी कॉस्ट आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो ये देखा गया है कि अगर कंपनी कोई नया स्टॉक शेयर इशू करती है तो ये मार्केट को एक नेगेटिव सिग्नल जाता है और उससे मार्केट आपकी गिरती है। अब क्यों क्यों क्योंकि जब आप न्यू कॉमन स्टॉक शेयर इशू करते हैं तो आप ये फील करते हैं कि आपकी स्टॉक की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यू है, तो आप अपने कॉमन स्टॉक के बेस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। सपोज करंटली आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके 10,000 ने, अब आपने क्या किया, नए शेयर्स 500 शेयर्स और इशू कर दिए, अब आपके आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी आप कितनी बढ़ गई, 1,000 से 1,500 में बढ़ गई। तो आप अपनी समझते हैं कि अगर आपकी इक्विटी की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यूड है तो आप उसको जो है वो सेल ऑफ करते हैं, और इससे ओवरऑल जाहिर बात है आपके शेयर की पर प्राइस पे भी इफेक्ट आता है। इसलिए मोस्टली देखा गया है कि इट गिव्स यू डिप्रेसिंग सिग्नल, अ नेगेटिव और वाई इनवर्स सिग्नल टू द मार्केट, और उससे समटाइम्स क्या है कि शेयर प्राइस वाकई में कम हो जाती है स्टॉक के अंदर। तो अब क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट को नेचुरली कंसिडर करना चाहिए आप अपने किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ द इक्विटी के अंदर। तो आप देखेंगे ये सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला प्रॉब्लम है, और इसमें आपने देखा होगा कि भाई डिविडेंड वन ये कैसे कैलकुलेट होता है, डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1+G, यानी ये पूरा आपका प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा, डिविडेंड वन कहलाएगा, एंड डिविडेंड वन को आप डिवाइड करते हैं विथ पी नॉट यानी प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक। सिर्फ और सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, किस चीज के एडजस्टमेंट, आप क्या कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 1 - F। F क्या है, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो ये क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इफ इशूइंग न्यू स्टॉक, न्यू कॉमन स्टॉक इनकर्स फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 15% ऑफ द प्रोसीड्स, व्हाट इज द KE यानी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपने क्या किया कि फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट किया विथ द प्राइस ऑफ द शेयर या प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक। तो एक्चुअल में आपने जो है 0.15 को आपने कंसिडर कैसे किया है, अब देखिए 0.15 यानी रिमेनिंग आपका अमाउंट जो है वो 0.85 है, यानी एक्चुअली आप समझ रहे थे कि 50 जो है 50 या 100% 100% नहीं, बल्कि इट इज 0.85। वाई, बिकॉज इसकी जो 0.15 है वो इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो आप प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे, निकाल देंगे, तो आपके पास अब जो एक्चुअल प्राइस आएगी वो आएगी 42.5। तो सेम प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपने देखा था कि जो KE की जो वैल्यू थी वो 14% थी। वो क्यों, क्योंकि 4.3995 को हमने डिवाइड किया था विथ 50,
और प्लस किया था विद ग्रोथ रेट विच इज 5. लेकिन यहाँ पे हमने फ्लोटेशन ऑफ कॉस्ट को एडजस्ट किया है विद द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, और अब हमारे पास जो के ई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इट इज 15.4%. तो दिस इज हाउ, अगर आपको क्वेश्चन हो उसमें लिखा हुआ हो कि फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उसको आपने सॉल्व करना है बाय कंसीडरिंग द फ्लोटेशन कॉस्ट. अगर फ्लोटेशन कॉस्ट की वैल्यू नहीं है गिवन तो यू कैन इग्नोर इट. फ्लोटेशन कॉस्ट को थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन किया गया है, इसकी हेडिंग ही फ्लोटेशन कॉस्ट है. और फ्लोटेशन कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द रिस्क ऑन द फर्म्स एंड द टाइप ऑफ कैपिटल बीइंग रेज्ड. फ्लोटेशन कॉस्ट आर द हाईएस्ट फॉर कॉमन इक्विटी, इनकी ज्यादा होती है कॉमन स्टॉक इक्विटी की, क्योंकि आप इसको पब्लिकली ट्रेड करते हैं जब यू हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट व्हाइल फ्लोटिंग द कॉमन स्टॉक. हाउएवर सिन मोस्ट कंपनी इशू द इक्विटी इनफ्रीक्वेंटली, क्योंकि बहुत कम कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक इशू होती हैं, इसीलिए इसका जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है. हम आगे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट को मोस्टली इग्नोर करते हैं जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं. अब जी फाइनली आपके सामने ये सम अप किया हुआ है, यानी अब तक आपने देखा कि के डी हमने कैलकुलेट किया 10% और हमने जो है वो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न प्रेफर्ड स्टॉक का कैलकुलेट किया वो था 9% और हम रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने कैलकुलेट किया 14% आपने देखा था कैपएम के अंदर भी आ रहा था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर भी आ रहा था, और आपका जो है वो बॉन्ड ओन यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम के अंदर भी आ रहा था. तो हमने एवरेजली 40% लिया है सबको मिला के. तो 0.3 क्या है, 0.3 इज द वेटेज और प्रोपोर्शन, यानी 30% डेट का प्रोपोर्शन है, 10% आपके जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक का है और 60% आपकी कॉमन इक्विटी कॉमन स्टॉक का है. तो 60 plus 1 becomes 70 एंड 70 plus 3 becomes 100, यानी टोटल 100 में से 30% या प्रोपोर्शनेट वेट डेट का 30% है, 10% प्रेफर्ड का है और 60% आपके कॉमन. तो इन सब को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी जितना भी एज अ फाइनेंसिंग ली है अपने एसेट्स को बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस फाइनेंसिंग को उसकी कॉस्ट पे करना जो सॉरी उसकी कॉस्ट जो कंपनी पे कर रही है वो 11.1%. ठीक है, आपको बात समझ में आई, यानी डेट पे कंपनी 1.8% दे रही है, प्रेफर्ड स्टॉक पे 0.9% कॉस्ट पे कर रही है, सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट जो है वो कॉमन स्टॉक पे कर रही है 8.4%. तो ओवरऑल मिला के कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंस है फाइनेंस का, फाइनेंसिंग का, डेट का, प्रेफर्ड स्टॉक का या कॉमन स्टॉक इक्विटी का, वो जो बर्डन है कंपनी पे वो है 11.1%. इसको कहते हैं हम लोग वेटेड एवरेज